चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आकिब निसार आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। दो रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन भी शामिल। मफादयामा से मुतालिक केसेस की समाअत होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज दो रोजा दौरे पर लाहौर आएंगे। बिलावल भुट्टो पीपल्स लॉयर फॉर्म के ज़ेर-ए-एहतमाम हाईकोर्ट बार में तकरीब से खिताब करेंगे। बिलावल हाउस में कयाम के दौरान पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। एक सितम्बर अभी जहाँ बाकी है, महंगाई में पीसी आवाम पर एक और बार मीठा भी महंगा हो गया। माफिया ने चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो अज खुद इजाफा कर दिया। इंतजामिया नाकाम, शुगर माफिया की मिली भगत, एक के बाद एक नई मुसीबत। सरकारी रेट लिस्ट में चीनी की कीमत 55 रुपए मुकर्रर, जबकि दुकानों पर 60 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। 50 किलो चीनी के थैले की कीमत 2750 रुपए तक जा पहुंची। चीनी की कीमत भी कम होनी चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं उनकी भी कम होनी चाहिए। चीनी भी महंगी हो गई है, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। इंसान बस सस्ता हो गया, उसको जितने मर्जी मार दो। चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। चीनी जो हमें पहले सस्ते में मिलती थी, अब वो भी बहुत ज़्यादा ऊंची चली गई है। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि इसकी कीमत में कमी करें, ताकि ये तो हर घर की ज़रूरत है। अगर इसमें इजाफा करते जाएंगे तो आम इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकता है। हुकूमत से यही अपील कर सकते हैं कि चीनी हर घर की ज़रूरत है। घर में ज़ाहिर आपकी मेहरबानी हो, गवर्नमेंट चीनी कम करें या आप बढ़ाए। हर चीज़ वक्त के हिसाब से बढ़ती जा रहे हैं। मेहरबानी, हुकूमत से अपील करते हैं। हमारे और भी बहुत मसाइल हैं। बुनियादी चीज़ हमारी चीनी है। मीठा तो वैसे हर घर में यूज़ होता है। अगर इतनी महंगाई ये बढ़ती जाएगी तो आगे तो अल्लाह ही वारिस है इस मुल्क का। कूड़े के खिलाफ जंग, लाहौर न्यूज़ के संग। बाघों का शहर, कचरा कचरा, लाहौर न्यूज़ ने इंतजामिया को जगाया। अलबेराक और उस बाग के अफसरान बंद और आरामदेह कमरों से बाहर निकलने पर मजबूर। सड़कों, गलियों और चौराहों की सफाई जारी। सफाई वर्कर्स और LWMC की गाड़ियां कूड़ा उठाने लगी। उधर लाहौर न्यूज़ की खबर पर इंतजामिया की फुर्तियाँ। नाकिस सफाई पर 3 सुपरवाइजर मुअत्तल। जोनल ऑफिसर पतरस करम और अली रजा को शोकॉज नोटिस। सफाई सुथराई पर समझौता नहीं करेंगे MD फारूक कयूम भट्ट। सफाई वर्कर्स की हफ्ते और एतवार की छुट्टी मंसूख। ben öncelikle Lahore News'e çok çok teşekkür ediyorum. Bu şükriye daha kartı ama Lahore News'ka jinhone jana itna acha ek point raise kiya hai. Bu duyarlılıkların devam etmesini isterim. Ye jo cheeze hai, ye jo activity is tarah se main meri umeed hai ki continue hi rahenge, kyunki ye awam ki behtri ke liye sab kuch ho raha hai. Çünkü bizim de bazen kusurlarımız görmediğimiz olabilir. Hamare kuch jana kuch aisi cheeze jo hum bhi miss kar dete hai, kyunki hamari aankhon se ojal ho jati hai. आपकी खिदमत में लाहौर न्यूज एक कदम और आगे। अगर आप सफाई के मामलों पर सख्त परेशान हैं, गंदगी और तआफुन से आपका इलाका कचरा कुंडी बन चुका है, कूड़े और गंदगी की फौरी फोटेज या तस्वीर बनाएं और भेज दें लाहौर न्यूज के इस नंबर पर। आवामी खिदमत है बहाना, लाहौर न्यूज आपके शाना बशाना। पावर प्लांट्स की फनी खराबी जू की तू। बिजली बहरान तीसरे रोज भी जारी। लस्तू का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक जा पहुंचा। हर घंटे बाद एक घंटे के बंदिश से जिंदगी निसामे मफलूज। कारोबार मुतासर। एक तरफ बिजली का बहरान, दूसरी तरफ सुई गैस और LPG नायाब। सुई गैस की बंदिश से आवाम अजियत का शिकार। खवातीन का खाना पकाना भी दुश्वार। होटल से खाना मंगवाने पर मजबूर। शहरी माफिया के रहमो करम पर LPG की किल्लत, गाड़ी चले और ना घर। शहरी दरबदर, 115 रुपए के सरकारी रेट पर मिलने वाली LPG गायब। ब्लैक में 170 से 180 रुपए में फरोख। शहरियों को साफ पानी फराहम करने के दावे हकायक कुछ और। बल्दिया उस्मा के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर मयारी निकले। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लेबोरेटरी टेस्ट मुकम्मल। एक भी प्लांट मयार पर पूरा नहीं उतरा। PCSIR लेबोरेटरी की रिपोर्ट में इंकशाफ। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 90 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स वासा के हवाले करने का फैसला।
जबकि हुकूमत पंजाब का माली बहरान संगीन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा भी मंजूर ना हो सका, महंगी टेक्नोलॉजी के लिए फंड्स नहीं, पीएनडी बोर्ड तहफुजात का शिकार, महमूद भूटी शादबाग शाहदारा और बाबूसाबू में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 8 करोड़ 30 लाख रुपए मांगे गए थे। पानी चोरी करने वाले हो जाएं होशियार, खबरदार। मुलजमों को सजाएं देने के लिए वासा अदालत को दोबारा फाल करने का फैसला, राजगढ़ ऑफिस में बाकायदा अदालत बनाई जाएगी। वासा ने पंजाब हुकूमत से मजिस्ट्रेट और पुलिस कांस्टेबल्स की खिदमात भी मांग ली। हाल रोड और शालम के बाद आई एनिक मार्केट की बारी, किराए की अदम अदायगी पर बल्दिया उस्मा की बड़ी कार्रवाई, नादहिंदा दुकानों को सरबमोहर करने का अमल जारी। ऑपरेशन में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के अमले ने हिस्सा लिया। हुकाम का कहना है कि मुतादित नोटिस भेजने के बावजूद किराया अदा नहीं किया जा रहा, 39 दुकानों को सील किया गया, किराए की अदायगी पर फौरी दुकान खुल जाएगी। हम कभी ये नहीं सोचते कि किराया तो देना ही हमने, और बिल्कुल देना चाहिए और दे रहे हैं। तो कोर्ट का स्टे माने, इसलिए मतलब ये है कि कोर्ट के मुताबिक हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम पूरे चलेंगे। इनका काफ़ी देर से हमारा तनाजा चल रहा है कि ये आप इलीगल हमसे किराए ले रहे हैं, कभी ये हमें प्रेशराइज करने आ जाते हैं हर 3-4 साल बाद, पहले नहीं आते, 2 साल बाद 4 साल बाद ये अक्सर हमारे, अब भी इन्होंने थ्रेट किया हुआ है। तब्दीली, सरकार का बड़ा इकदाम, मुल्क भर के एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने पर गौर शुरू। डीजी सिविल एविएशन ने हिकमत अमली तैयार कर ली, एयरपोर्ट्स ठेके पर देने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील, कमेटी अच्छी शोहरत रखने वाली निजी कंपनी से राब्ता करेगी। एलडीए सिटी में 28 प्लाटों की गैर कानूनी फरोख्त का केस, नैब के चौधरी बरादरान को क्लीन चिट, चेयरमैन नैब के चौधरी शुजात हुसैन और परवेज अलही के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश, एहतसाब अदालत में 9C का रेफरेंस दायर, प्लाट चौधरी बरादरान के मुलाजिम ने खरीदे, स्पीकर परवेज अलही और चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ दस्तावेजी और जुबानी शवाहिद नहीं मिले, रेफरेंस का मतन। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी की मुश्किलात कम ना हो सकी, नैब लाहौर ने अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ जेर तफ्तीश केस की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में मुंतकिल करने का फैसला, केस जल्द चेयरमैन को मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा। अली जहांगीर सिद्दीकी पर आशियाना केस में फवाद हसन फवाद से मिलकर करप्शन के इल्जाम हैं। बस थोड़ा इंतजार, लाहौर पर होगी रंगो नूर की बरसात, पीएचए का जश्न बहारा फेस्टिवल मनाने का फैसला, फ्लावर शो, कैटल शो, मुशायरे, मुसावरी के मुकाबले, जलानी पार्क में जश्न बहारा फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां, थिएटर समेत दीगर सकाफती प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया जाएगा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सालह सईद की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इंसान के हुसूल के लिए महंगी और तवील और कठिन जिद्दोजहद की, साबिक हुकूमत ने साने मॉडल टाउन में मुलविस पुलिस अफसरान को तरक्कियों से नवाजा, साबिक दौर में JIT इंसाफ के कत्ल के लिए बनाई गई, अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी की जेर सदारत इजलास, साने के नामजद अफसरान को ओहदों से हटाने का मुतालबा, JIT की तश्कील पर चीफ जस्टिस विफाक और सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। खोखर बरादरान की जायदादों और गाड़ियों से मतलब मजीद इंकशाफात, महकमे एंटी करप्शन ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया, मुलाजमीन के असासों की छानबीन भी शुरू, महकमे एंटी करप्शन ने पूरा रिकॉर्ड नहीं मंगवाया, खोखर बरादरान के चाय वाले तक का रिकॉर्ड नैब के पास है, एक्साइज हुकाम
खोखर पैलेस की तामीर में कोई बेजाबतगी नहीं, इदारे जब बुलाएंगे हाजिर होंगे। अफजल खोखर, सैफुल मलुक खोखर और शफीक खोखर एंटी करप्शन में पेश। डीजी मोहम्मद असगर जोया ने सवाल पूछे। खोखर बरादरान ने जमीनों के नक्शे और खोखर पैलेस का रिकॉर्ड जमा करा दिया। ना अहल लोग हुक्मरान बन गए, अनाड़ियों की हुकूमत ने नाकाम तजर्बे करके आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की गुफ्तगू, मुश्तबा शजाउर रहमान समेत लीगी रहनुमाओं की मुलाकात, सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। तीस रुकनी भारतीय वकला के वक्त की पंजाब यूनिवर्सिटी आमद। वाइस चांसलर नियाज अहमद और यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेम्बरान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। भारतीय वक्त की पाकिस्तानी लोगों और खानों की खूब तारीफ। भारतीय वकला के वक्त ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी दौरा किया। चेयरमैन चंडीगढ़ बार काउंसिल प्रताप सिंह कहते हैं, पाकिस्तानी पंजाब कुदरती वसाइल से माला माल है, दोनों पंजाब को एक दूसरे की जरूरत है। मीडिया को दोनों ममालिक से मुतालिक खबरों में सनसनी नहीं फैलानी चाहिए। एक और नन्नी कली जुल्म का शिकार। 9 साल आयशा कत्ल केस में पुलिस ताहाल कोई पेशरफ्त न कर सकी। उम्रे की अदायगी के बाद वापस आने वाली वालिदा गम से निढाल, इंसाफ न मिला तो खुदकुशी कर लूंगी। लोहारी की आयशा की वालिदा फातिमा बीबी की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। शेराकोट में 4 अफराद की शहरी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट। मुलजिम 7 लाख रुपए नकदी लेकर फरार। शहरी शहजाद गिल के थाने में दरख्वास्त। वाकये की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज पर। नए साल की पहली तब्दीली, झींगा मछली को पंजाब में मुतारिफ करवाने का फैसला। मंसूबे पर अमल दरामद शुरू। वजीर माही परवरी सप्तैन खान कहते हैं, पिछले एतवार में महकमा माही परवरी को बहुत नुकसान पहुंचा, मौजूदा हुकूमत अब ऐसा नहीं होने देगी। खातीन के लिए बनाओ सिंघार जरूरी। मुकामी क्लब में मेकअप क्लास का एहतमाम। खातीन को हेयरस्टाइल और मेकअप के जदीद तरीके सिखाए गए। मेकअप आर्टिस्ट अमारा उमर कहती हैं, बहुत से लोग बाहर जाकर नहीं सीख सकते, इसलिए यहां पर वर्कशॉप का इनेकाद किया। महकमा सकाफत पंजाब का हस्पानवी गुलुकारा शकीरा को पाकिस्तान बुलाने का फैसला। चेयरमैन थिएटर एडवाइजरी कमेटी ने गुलुकारा से रابطے शुरू कर दिए। शकीरा के इनकार पर जस्टिन बीबर को दावत दी जाएगी। म्यूजिकल कंसर्ट के लिए मल्टीनेशनल कंपनी स्पॉन्सरशिप हासिल की जाएगी। और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जरिए तमाम कोचिंग कैंप का 4th रोज। जूनियर खिलाड़ी ने एथलेट्स और मेट रेसलिंग की तरबियत हासिल की। कोचिंग कैंप 31 जनवरी तक पंजाब स्टेडियम में जारी रहेगा।